तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। और आरा बक्सर फोर लेन का आज आपको राइड करके दिखाने वाले हैं कि अभी ये सड़क बन चुका है तो इस पर क्या क्या चीज़ की सुविधा आपको देखने को मिल जाती है आरा बक्सर फोर लेन पर। और आप देख सकते हैं एक शानदार सड़क, एक शानदार बिहार को गौरवान्वित करने वाला ये आरा बक्सर फोर लेन, जिससे आप वाराणसी, यूपी, छपरा भी जा सकते हैं। जी हाँ, ये आरा छपरा जो है उसको भी ये जोड़ चुका है। और आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार स्पेक जो है, 100 के स्पीड में जो है मारुति कार को चलना है और 80 के स्पीड में जो है बाइक को चलना है, लेकिन मेरी बाइक जो है वो 40 की रफ्तार में चल रही है। फिर भी आप देख सकते हैं कितना शानदार ये ब्रिज जो है बन चुका है। आप इसको एक बार ज़रूर देखिए। और ये सड़क जो है लगभग जो है ये बीटा तक आप जो है इससे आसानी से जा सकते हैं। अब बखोड़ापुर अगर आप जाते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। और जगह जगह पर साइन बोर्ड लगा दिया गया है कि कहां से आपको जो है इस सड़क पर जो है घूमना है, कहां पर इस सड़क पर जो है गाड़ियों का स्पीड कम रखना है। हर चीज़ का जो मतलब कि जो प्रिकॉशन है वो इस सड़क पर दे दिया गया है। और इस सड़क पर आप टोल प्लाजा भी बना दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाइक वालों का टोल इस रोड पर नहीं लगता है। हमने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया है, बखोड़ापुर वाले ब्लॉग में। और जगह जगह पे यहाँ पर जो है डिस्टेंस साइन बोर्ड लगा दिया गया है। तो समझिए कि ये सड़क जो है कितना बेहतरीन बन चुका है, कितना ज़बरदस्त बन चुका है। और सामने आप देख सकते हैं जहाँ पे गांव है, कस्बा है, वहाँ पर अंडर पास भी बना दिया गया है कि आप अगर उस गाँव में जाना चाहते हैं तो आप जो है सर्विस लेन का सहारा लेकर के उस गांव में इन कर सकते हैं। यहाँ से आरा, पटना, कोइलवर, और डिस्टेंस बोर्ड भी हर जगह लगा दिया गया है, जो कि किसी भी लोगों को ये दिक्कत नहीं होने वाली है कि पटना का डिस्टेंस कितना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ से सर्विस लेन है और ऊपर से ये फ्लाई ओवर है। आप देख सकते हैं अगर आपको सर्विस लेन में जाना है तो आप नीचे से जाएँगे, अगर आप डायरेक्ट पटना जाएँगे तो आप सीधे ऊपर से निकल जाएँगे, जो कि मैं अभी जा रहा हूँ। और कहीं पर इस सड़क में आपको जो है जर्किंग नहीं दिखेगा। जी हाँ, इसमें आप कहीं पर भी जो है इस सड़क जो अभी तक टूटा फूटा नहीं है कि कहीं पर आपको जो है गाड़ियाँ चलाने में दिक्कत होगी। यही सब दिखाने के लिए हम पहुँचे थे आरा बक्सर फोर लेन पर। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं कायम नगर में। और कायम नगर का आप इलाका देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इस सड़क का निर्माण किया गया है। और डिवाइडर का जो चौड़ाई है वो भी काफ़ी बड़ा है। और जगह जगह पर अंडर पास यहाँ पर बना दिया गया है कि कहीं से किसी भी जो भी इस पे यात्रा करते हैं उनको दिक्कत ना हो। और जहाँ जहाँ पे शहर है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था की गई है। और जगह जगह पे पेट्रोल पंप भी इस सड़क पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर भारत पेट्रोलियम है। तो हर चीज़ की सुविधा से लैस है आपका आरा बक्सर फोर लेन। आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। जब ये सड़क बन रहा था तो इसमें जो है कहीं कहीं से आना जाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अब आप देख सकते हैं आप जो है अब इस सड़क पर जो है गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ गति से फराटे भरती है। और हम लोग अब पहुँचने वाले हैं, कुछ ही देर में पहुँच जाएँगे कोइलवर। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक कर्व है, कर्व पर जो अगर गाड़ियाँ कहीं मुड़ती हैं तो दूर से ही गाड़ियाँ दिख जाती हैं, तो आप जो है अपने गाड़ी का स्पीड जो है वो कम कर सकते हैं। और जगह जगह पे इसमें जो है सर्विस लेन बना दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका जो सबसे ज़बरदस्त जो सड़क है यहाँ पर, देखिए ये टोल रोड है, ये टोल प्लाजा है। 1 किलोमीटर यहाँ से आपको पड़ेगा, जो कि यहाँ पर फिश प्लाजा बोलते हैं उसको। और कहीं कहीं पर अभी जो है सड़कों का निर्माण थोड़ा बहुत भी होना बाकी है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है वो लोहे का जो स्ट्रक्चर है उसको अभी नहीं लगाया गया है साइड से, आप देख सकते हैं इधर। तो ये सब काम भी थोड़ा बहुत बाकी है। और इस सड़कों का साफ़ सफाई भी होना ज़रूरी है, क्योंकि सड़कों पर बालू काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ से सब डिस्टेंस बोर्ड सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके कि कहाँ से यहाँ से कितना डिस्टेंस पड़ेगा। ये मैं आपको कायम नगर के पास का दिखा रहा हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हम लोग अब पहुँच चुके हैं कोइलवर। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिस्टेंस बोर्ड यहाँ पर भी लगा हुआ है। और आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या जो है कितना कितना दूर है। तो यहाँ पर देखिए मुजफ्फरपुर लिखा हुआ है, मुजफ्फरपुर है जो कि आपको जो है 100 किलोमीटर, पटना 42, गया 110। और ये आपका आ गया कोइलवर ब्रिज, इसका हम न जाने कितनी बार आपको अपडेट दिया है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कोइलवर ब्रिज जो है शुरू हो जाने से, जो वो लोहे का ब्रिज जो साइड में आप देख सकते हैं उससे जो है काफ़ी बेहतर ये ब्रिज जो है अब बन चुका है। जी हाँ, लोहे का ब्रिज मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए लोहे का ब्रिज है, इससे जो है अब ये सड़क से जो है जाने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होता है। और हमने जो है कोइलवर ब्रिज को क्रॉस कर लिया है। तो
राइडिंग करके हम आपको हर जगह का वो तस्वीर दिखाते हैं, हर जगह का वो सड़क दिखाते हैं जहाँ के बारे में आप जानना चाहते हैं। अगले राइडिंग हमारा कहाँ से होगा इसका आपको जो है अपडेट हम बहुत जल्द जो है अपने जो हमारा जो पोस्ट है यूट्यूब कम्युनिटी टैब उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप उस ब्लॉग को भी देख सकते हैं। उसमें हम कहाँ पर राइडिंग करेंगे वो मैं आपको दिखा दूँगा। और आप देख सकते हैं कहीं पर इतने दूर से मैं चल के आ रहा हूँ लेकिन कहीं पर भी जो है गाड़ियाँ अभी तक जर्क नहीं की हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले बोर्ड भी लगा हुआ है जगह जगह पर। तो यही एक राइडिंग था। तो ये राइडिंग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट करिएगा, अपने भाई का जो है हौसला अफजाई करिएगा। हर जगह का तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगा। और डिस्प्ले बोर्ड के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे आपसे और किसी नए राइडिंग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।